पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की स्मेल आ रही है और एक्शन की मां की आंख होने वाली है, क्योंकि देवारा पार्ट वन का ग्लिम्स यानी फर्स्ट ग्लिम्स यानी फर्स्ट लुक यानी टीजर आ चुका है। जूनियर एनटीआर की मोस्ट मच अवेटेड मूवी आफ्टर ट्रिपल आर, जिसके लिए वेट करा जा रहा था भाई, प्रॉमिस कर रहा है ये फर्स्ट लुक कि हम बहुत कुछ लेके आ रहे हैं और कुछ नया लेके आ रहे हैं, क्योंकि एक्शन तो मिलने ही वाला है और जो दबा के एक्शन मिलेगा वो इस फर्स्ट लुक ने पहले ही प्रॉमिस कर दिया है। बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा भाई, कहानी कंटेंट भी दमदार आते नजर आ रही। तो अभी भाई ग्लिम्स को पूरा रिव्यू करेंगे कि क्या क्या आखिर हमें मिलने वाला है और ट्रेलर के लिए और कितना वेट करने पड़ेगा, ट्रेलर में हमें और भी क्या देखने को मिल सकता है आगे आने वाले टाइम पर। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो भाई साहब, जूनियर एनटीआर की मोस्ट मच अवेटेड मूवी देवारा पार्ट वन, यानी इसका पार्ट टू भी आएगा और पार्ट वन ने ही जो एक्साइटमेंट जनरेट करी है, क्योंकि इसका फर्स्ट लुक, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यस भाई फर्स्ट लुक होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए भाई, थोड़े से टाइम में आप पूरा बता दो कि हमें कि हम क्या क्या आपको देने वाले हैं भाई। एक्शन दबा के मिलने वाला है क्योंकि एक्शन ही दिखाया है इसमें। दूसरा यार, पायरेट्स मतलब जो रेड सी का जिक्र इन्होंने किया है कि भाई लास्ट में खुद जूनियर एनटीआर ने डायलॉग मारा है कि ये लाल समंदर इसलिए भी हुआ है क्योंकि इसने तलवार चाकू और ये खून खराबा काफी देखा है। तो भाई रेड सी के आसपास की कहानी देखने को एक बार के लिए मिलते नजर आ रही है, जो सऊदी अरेबिया और सूडान के बीच में है यानी मिडिल ईस्ट में। तो भाई कहानी बड़ी लंबी पहुंच रही है वहां तक, कुछ नया करने की कोशिश करी है, लाइक समुद्री एक्शन हमें देखने को मिलेगा, लाइक जो हमें जूनियर एनटीआर नज़र आ रहे हैं भाई साहब, एक हिसाब से चोर नज़र आ रहे हैं जो छोटी छोटी अपनी टुकड़ियों के साथ छोटी मोटी चोरी करते नज़र आएंगे इन द रेड सी। वही कुछ नया करने की कोशिश तो करी है कोटाला शिवा ने, जो इसके डायरेक्टर हैं और जो पहले ही काफ़ी दमदार कॉन्टेंट भी देख चुके हैं, महेश बाबू के साथ वो भारत मूवी दे चुके हैं जो काफ़ी चर्चे में रही थी, उसके अलावा जूनियर एनटीआर के साथ और भी प्रोजेक्ट ये कर चुके हैं। तो भाई इसमें थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है क्योंकि इनके जो पिछले कंटेंट है वो भी दमदार है। तो भाई देवारा के साथ भी ये कुछ नया करते नजर आ रहे हैं, जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई इसमें कहानी तो कुछ हटके मिलने वाली है, क्योंकि एक्शन मूवी बहुत देखते आ चुके हैं, क्योंकि पिछले साल फुल एक आध महीने में ही हमें नई नई एक्शन मूवी देखने को मिली और हर टाइप की वॉयलेंस हमने उसमें देखी है, लेकिन इसमें किस हिसाब का वॉयलेंस देखने को मिलेगा, किस हिसाब का एक्शन मास मसाला देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ नया है भाई साहब। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाला हिसाब किताब सेट करते ये लोग नजर आ रहे हैं, जो मैं मानता हूँ कि कुछ नया है, और अगर इस पे ये सक्सेस मिल गई इनको तो भाई फाड़ के जाएंगे, क्योंकि भाई जमीन पे तो बहुत युद्ध देख लिए, थोड़ा पानी पे भी देख लिया जाए, और यही कोटाला शिवा करना चाहते हैं अपने इस कॉन्टेंट के साथ। एक्साइटमेंट है क्योंकि प्रॉमिस कर रहा है, और जो फर्स्ट लुक है भाई बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाया है, जूनियर एनटीआर वेल पॉलिश्ड नजर आ रहे हैं, आफ्टर ट्रिपल आर मतलब एसएस राजामौली ने जो पॉलिश किया है जूनियर एनटीआर को, वैसा ही वाले देखने को मिल रहा है, थोड़ा अपग्रेडेड देखने को मिल रहे हैं जो अपने दम पर, क्योंकि ठीक है ट्रिपल आर में दो जने थे जो मूवी को फेस कर रहे थे, मूवी का फेस बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये खुद अकेले फेस बने पड़े हैं। भाई सैफ अली खान भी होने वाले हैं, जो हो ना हो भाई साहब विलेन के रूप में ही आएंगे, और जाह्नवी कपूर एज लीड एक्ट्रेस हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो कास्ट देखा जाए तो दमदार कास्ट है जो बिल्कुल मूवी को कंप्लीट करते हैं। भाई निगेटिव में एक ही चीज़ मुझे खली कि यार ठीक है, जो एक चीज़ कन्फ्यूज करी कि अगर ये कंटेनर वगैरह जो बड़ी शिप्स दिखा रहे हैं, जो थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ हमें रुख करते हैं, तो जो फाइट्स हो रही है वो तलवार चाकू वगैरह से क्यों हो रही है, जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा जमाना एक हिसाब से कह सकते हैं वो सेट करते नज़र आ रहे हैं। बाकी सब कुछ बढ़िया है भाई, ट्रेलर के लिए वेट है, एक्साइटमेंट है कि और ट्रेलर में क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ पता चल जाएगा कि भाई मूवी में आखिर मिलने क्या वाला है, क्योंकि भाई इन्होंने फर्स्ट लुक तो दमदार ही निकाला है जो बिल्कुल बूस्ट कर रहा है एक्साइटमेंट को। आपने देख लिया है तो भाई आप भी बताओ, मेरा रिव्यू ये है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।